देखिए, अब जो मैं ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब जब बच्चे इसको पढ़ते हैं ना तो उनके दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। अब खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ब्लड रिलेशन हो या रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, जो दिया हुआ है ना बस वो कर डालो। यानी कि इसमें जो जो दिया हुआ है ना, वैसे का वैसा डायग्राम बना दो, आपका आंसर आ जाएगा भगवान के नाम पे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यदि ए के पिता बी, लाइन पढ़ी, ए के पिता बी की माता सी। देखो, यदि ए के पिता बी, सबसे पहले कैरेक्टर बनाइए ए, ठीक है, ए के पिता दे रहे हैं बी, नाम डाल लीजिए, पिता फीमेल है कि मेल है, मेल है सर, ए का अभी तक नहीं पता कि भाई मेल है कि फीमेल है, कुछ नहीं पता, छोड़ दीजिए। ए के पिता बी की माता सी, ए के पिता बी की माता सी, ए की दादी आ गई, साफ साफ दिखता है, ए की दादी आ गई, ठीक है साहब, माता सी की बहू डी है। अब सी की बहू डी, बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे, बोले सी की बहू डी, तो हो सकता है सी के दो चार बच्चे हो, हमें दिमाग नहीं लगाना, अभी हमें इसी कैरेक्टर्स में चलना है। तो सी की बहू डी, तो देखो सी की बहू आएगी तो सी की बहू डी आ गई, साहब ये बहू है यानी कि ये पत्नी आ गई, बी की पत्नी आ गई यानी ए की माता जी आ गई। अब एफ ए की पत्नी है, एफ जो है ना वो ए की पत्नी है। अब यहां कैरेक्टर क्लियर हो गया, एफ जो है किसकी पत्नी है, ए की, तो ये साहब पत्नी आ गई, तो ये कौन हो गया, पति आ गया मेल कैरेक्टर, ठीक है साहब। अब आगे बढ़ते जाइए, एफ ए की पत्नी है, जबकि ई के पिता जी की पुत्री डी है, जबकि ई के पिता, अब कोई एक और कैरेक्टर है जिसमें ई के पिता जी की पुत्री डी है, देखो डी दिए रखा है, डी को दे रखा है। अब ये किसकी पुत्री है डी, इस प्रश्न में ई के पिता जी की पुत्री डी है। अब ई के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा, कहां है किधर है नहीं, लेकिन आज ये पता चल रहा है ई के जो पिता जी हैं उनकी एक पुत्री है बी, समझ गए बात को, यानी ये जो कैरेक्टर है ये कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, और इनकी जो पुत्री पिता जी, ये पिता है, ठीक है साहब, अब ये पिता आ गए किसके, डी के पिता आ गए, और जबकि ई के पिता जी की पुत्री डी है, इसका मतलब ये पजल है, अच्छी पजल है, डी के पिता तो आ गए और यहां कहीं ई भी होगा, अब या तो ये इसकी बहन होगी या भाई होगा जिसका ये भी पिता है, क्योंकि लिखा है ई के पिता, तो देखो ई के पिता जी हैं जिनकी पुत्री डी बी है, इसका मतलब बी के ससुर साहब दिखने लग गए, साफ है ससुर जी दिख रहे हैं, चलो साहब, तो क्या कह रहा है, तो जी का ए से संबंध होगा, तो भाई जी का ए से संबंध निकालना है, पेन की लिप किधर रखनी है भाई, जी पर, तो ये आंसर होगा। अब ये आंसर में क्या होगा, जी और ए के बारे में दिया हुआ है, तो देखो ए, ए के पापा, ए की मम्मी, मम्मी के पापा यानी कि नाना, तो ये नाना है साहब, और ये कौन है, नाती, अब हमारा आंसर क्या है, नाना। पेन की लिप जहां रखनी है, जो पूछा है जी का ए से संबंध, तो जी पर रखेंगे पेन की लिप, तो जी आंसर होगा, अब आंसर नाना, तो यहां देखो नाना, अब नाती भी दे रखा है ऑप्शन में, तो आधे से ज्यादा बच्चे नाती पे टिक कर देंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, तो आप भी देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे बच्चों, कल तक हमने जो पुराने वीडियो में जो भी सवाल किए थे ब्लड रिलेशन के सवाल किए थे,
आज मैं दो सवाल और लूंगा ब्लड रिलेशन के, किस टाइप से करने हैं ये मैंने आपको पुराने वीडियो में बता दिया अपने। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जिसका डायग्राम परफेक्ट उसका आंसर परफेक्ट, यही हमारी कल बात थी। और डायग्राम जो है दिया हुआ जो भी है ना उससे अलग कुछ भी नहीं बनाना, तो जो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में हम सिर्फ वही ड्राइंग करेंगे, यानी हम वही बनाएंगे जो हमको दिया हुआ है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो दिया है उसी को ही अपने डायग्राम में बनाएं। तो देखिएगा यहां पर यदि N तथा Q बहने हैं, यदि N तथा Q बहने हैं, साफ साफ दिया है N और Q ये दो कैरेक्टर हैं जो लेडी कैरेक्टर है, बहने हैं, यानी वो सीधे क्लियर कर रहा है बहन है, ठीक है साहब। P तथा R भाई हैं। अब अभी तक M और Q के बारे में बताया है ये बहन है, ये बहन है, P तथा R के बारे में बताया है ये भाई है, लेकिन यहां कहीं भी ये नहीं पता कि ये इससे बड़े हैं या इससे छोटे हैं, हमें कुछ भी आइडिया नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम आगे बढ़ते हैं जहां Q की बेटी, अब इस Q की कोई बेटी है जिसका नाम इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है हम मान लेते हैं जो दिया है वही बनाएंगे। तो Q की बेटी, जहां Q की बेटी की बहन, इस बेटी की कोई बहन है, वो R की भी बहन है। अब यहां P तथा R की सिचुएशन क्लियर हो गई कि जो इस बेटी की बहन है वो R की भी बहन है, यानी ये R है जो इसकी दो बहनें देखने लगी, तो P तो इसका भाई है, ठीक है ये दोनों भाई हैं, ये भाई है, ठीक है ये बहन और ये बहन, पूरा का पूरा डायग्राम क्लियर हो गया, ये दोनों बहनें हैं, तो M का P से संबंध होगा। अब पूरी सिचुएशन क्लियर है, A से लेके Z तक पूरा डायग्राम बन गया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसका आंसर चुटकियों में है। M का P से संबंध पूछा है तो मैं पेन की निब M पे रखूंगा और यही मेरा आंसर होगा। किसके रेफरेंस में पूछा है, P के, तो देखो P P की मम्मी दिख रही है, यानी ये मां है P की और ये उसकी बहन है, तो ये मौसी होगी रही। अब मौसी है तो यहां मामी दे रखा है, ऑप्शन में नहीं होगा, आंटी दे रखा है, मां है नहीं, बुआ लग नहीं रही, तो आपको टिक किसके करना है, आंटी करना है। वापस से देख लीजिएगा, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये ब्लड रिलेशन के कहने को तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात मानिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी, सबसे आसान क्वेश्चन है, बस एक कॉन्सेप्ट है इनका, उसको ध्यान में रखिएगा तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है इशारा या संकेत करते हुए। ब्लड रिलेशन में दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इशारा करते हुए बनते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको इस क्वेश्चन से, इस प्रश्न से समझाता हूं। इस प्रश्न को सही से देखिएगा मैं किस तरीके से हल कर रहा हूं, बस ये आप ध्यान रखिएगा तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। यहां हमेशा एक कथन कहने वाला होगा, यानी कि जो हमेशा बोलेगा या इशारा करेगा, उसको समझिए। राहुल ने रवि की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां दो कैरेक्टर हैं राहुल और रवि, राहुल इशारा कर रहा है रवि की ओर और वही कह रहा है, तो आपको करना क्या है, ये आपका दाया हाथ, ये आपका बाया हाथ, जो इशारा करे या जो हमेशा कथन कहे उसको आप हमेशा बाई तरफ बनाए, जैसे कि राहुल कह रहा है तो आप राहुल को किस साइड बनाएंगे, इस साइड, और किसकी तरफ इशारा कर रहा है, राहुल ने रवि की तरफ, यानी यहां कहीं रवि है, इनके बीच में गैप रखिएगा,
क्योंकि लास्ट में जाके आपको ये दोनों डायग्राम मर्ज करने होंगे। अब मर्ज करने का मतलब है यहां पर वो एक दूसरे को मिलाएंगे। अब यहां एक वर्ड का यूज होगा जिसे हम कहेंगे इकलौता या एकमात्र। इसका मतलब ये होगा कि इकलौता एकमात्र में आपका एक यानी सिंगल है, ठीक है। अब कहे इकलौता पुत्र है तो एक पुत्र, पुत्री चाहे कितनी भी हो हमें मतलब नहीं। इकलौती पुत्री बोले तो पुत्री एक, हमें फिर पुत्रों से मतलब नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राहुल ने रवि की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? अब वो स्टेटमेंट अगर कोई कह रहा है तो या तो वो अपने से शुरू करेगा या फिर सामने वाले से शुरू करेगा। तो सामने वाले से शुरू कर रहा है या अपने से, देख लेते हैं आगे पढ़ के। राहुल ने रवि की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसकी माता, किसकी माता? रवि की माता, रवि की मां, ठीक है सर। अब एक नियम और ध्यान रखिएगा, आपको डायग्राम इधर नहीं बनाना है, इधर बनाना है। क्यों? क्योंकि आप मर्ज इधर करोगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा डायग्राम आपको इधर और इधर ही बनाना है। इसके भी इधर नहीं बनाना है, इसके इधर बनाना है, इसके इधर बनाना है, ठीक है। अब इसकी माता के पति, यानी ये जो रवि की मां है, इसके जो पति है, तो आपको पति कहां बनाने हैं? यहां बनाने हैं। इसकी माता के पति की बहन, अब इसके माता के पति की बहन, ये बहन आ गई, मेरी माता है। मेरी माता है मतलब राहुल कह रहा है इसकी माता के पति की बहन मेरी माता है, यानी ये राहुल की मां है। तो बताएं, तो रवि के पिता, यानी कि रवि के पिता, ये रवि के पिता है, तो रवि के जो पिता है ये राहुल के होंगे। अरे बहुत ही सिंपल, देखो कितना सिंपल हो गया भाई। देखो राहुल, रवि, ये राहुल की मम्मी, ये राहुल के भाई, यानी राहुल की मम्मी के भाई। अब ये भाई है, ये बहन है, इसका मतलब ये मामा है, ये मामी है, और ये मामी का लड़का रवि है। सिंपल सा है भाई। देखो तो क्या कहला रहा है, राहुल के कौन होंगे, रवि के पिता राहुल के कौन लग रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है? अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कैसे मैंने डायग्राम बनाया है, किधर बनाना है। ये आपका बायां है, तो जो इशारा करेगा वो बाईं तरफ, और जिसकी तरफ इशारा हो वो दाईं तरफ। अभी दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और बहुत इजी है। जितना इजी समझते हो ना उतना इजी है, बहुत इजी, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहा हूं, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा लिया है मैंने। देखिएगा, अंजलि ने एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहा। अब अंजलि ने एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, तो वही कॉन्सेप्ट है, अंजलि इशारा कर रही है एक औरत की तरफ, तो आपको अंजलि यहां बनानी है बाईं तरफ, और औरत इधर बनानी है दाईं तरफ। अब अंजलि ने इस औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, इसने कहा है तो क्या कहा है, उसके पिता के पिता, यानी इस औरत के पिता बनाइए। डायग्राम का फ्लो ध्यान रखिएगा, इस साइड में आना चाहिए डायग्राम, पिता के पिता, ठीक है सर, की इकलौती पुत्री। अब इसकी इकलौती पुत्री, जब भी इकलौती आए तो हमेशा डबल लाइन कर दीजिएगा, ये इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री मेरी मां है, मेरी मां है, यानी अंजलि की मां कौन है, ये अंजलि की मां है, ठीक है साहब। अब अंजलि की मम्मी दिख रही है आपको इस डायग्राम में, यहां डायग्राम मर्ज हो गया, ये मर्ज होना कहलाता है। तो यहां अंजलि की मां दिख रही है, मां के पिता यानी नाना जी दिख रहे हैं, और नाना जी का लड़का दिख रहा है। अब ये दोनों भाई बहन हो गए आपस में, ठीक है, तो ये बहन इसकी है और ये भाई है, तो ये भाई है, ये बहन है, और देखिए ये भाई की लड़की है। अब
ये लड़की जो ये क्या कहला रही अंजलि की, तो वह औरत अंजलि की होगी। अब ये अंजलि है, अंजलि की मम्मी, अंजलि के मामा, मामा की लड़की यानी ममेरी बहन, ठीक है। अब इस प्रश्न में एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। डायरेक्ट स्टेटमेंट जब भी आता है तो क्वेश्चन टफ नहीं होता, बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के उस क्वेश्चन को करना होगा। देखिए यहां पर गीता ने किसी से कहा है, गीता ने किसी से कहा है, तो हम फिर वही करेंगे अपना नियम। गीता को सबसे पहले बनाएंगे यहां, यानी हमने गीता को सबसे पहले यहां बना दिया, यानी इस तरफ गीता कह रही है, क्या कह रही है, पार्क में खेलता वह लड़का, यानी लड़की की तरफ इशारा कर रही है, तो ये लड़का हो गया सवाल, ठीक है। अब पार्क में खेलता वह लड़का मेरे मामा के, यानी कि गीता के मामा। अब गीता के मामा बनाना है आपको, तो मामा कैसे बनते हैं, सबसे पहले मां आती है, मां आएगी, मां के जो भाई हैं ये गीता के मामा हो गए। अब गीता के मामा आ गए, ठीक है, मेरे मामा के जीजा, मामा के जीजा। अब मामा के जीजा मतलब ये मामा हैं, इनके जीजा या तो गीता की मां के पति, या फिर आप दूसरा बना लीजिए। चलिए तो इसकी एक बहन बनाइए, बहन का जो पति है ये ही तो जीजा होगा भाई। जीजा हम किसको कहते हैं, भाई, ये बहन और ये उनका पति, तो ये मामा जी के जीजा जी दिखने लग गए। चलो ये आ गए जीजा, यहां मार्क कर दीजिए जीजा, मामा के जीजा की पत्नी। अब जीजा की पत्नी तो यही होगी भाई, तो जीजा की पत्नी यही है, पत्नी के पुत्री। अब पत्नी की कोई पुत्री है तो पत्नी की कोई पुत्री बना दीजिए, ये लीजिए साहब, पुत्री का सगा भाई है। अब ये जो है ना, ये सगा भाई है भाई, ठीक है। अब डायग्राम तो ये बन गया, ठीक है, यहां से एक बात पता चल रही है, सीधी क्लियर हो रही है। देखो ये इसकी मां पुत्री, ये लड़का, ठीक है भाई, ये दोनों भाई बहन आ गए, ये इसकी मम्मी पापा दिख रहे हैं, ये इसके मामा दिख रहे हैं। अब इस पोर्शन को चाहे तो आप ये मान लो, ये वाला पोर्शन मान लो, या फिर आप सीधे सीधे देखो, ये पुत्री जो है ये गीता दिख रही है क्या, तो ऐसे मान लो और इस मां को इधर रख लो, तो भी आपका आंसर आ रहा है कि ये पुत्री अगर गीता है तो ये उसका सगा भाई है। अब लड़का गीता का होगा तो कैसे भी कर लो, ऑप्शन में आंसर दो यही आएगा, ठीक है। तो सही से समझ लीजिए, कैसे भी बना लो, आपका डायग्राम जो दिया हुआ है ना वही बना डालो भाई, सब सही देखेगा। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, यहां पर डायरेक्ट रिलेशन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे पहले वाला भी डायरेक्ट रिलेशन था, यहां पर भी इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट रिलेशन आया हुआ है, और डायरेक्ट रिलेशन है ससुर, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है ससुर। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, एक औरत ने आदमी की को इशारा करते हुए कहा, अब एक औरत एक आदमी को इशारा कर रही है, तो यहां औरत बनाइए, यहां आदमी बना लीजिए। अब क्या कह रहा है, उसने कहा, एक औरत ने आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके ससुर। अब इस आदमी के ससुर बनाते हैं आपको, तो इस आदमी की पहले पत्नी बनाइए, ठीक है, इसके जो पिता होंगे क्या इस आदमी के ससुर दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ससुर है साहब, तो मार्क कर लीजिए ससुर। अब उसके ससुर के भाई, इसके ससुर की जो भाई है, ये जो भाई है, अब क्या कह रहा है, उसके ससुर के भाई, इसके जो भाई है, मेरी बेटी, यानी इस औरत की कोई बेटी है, बेटी के भाई,
इसका ये भाई है और इसके पिता हैं, यानी ये जो हैं, अरे समझो इस डायग्राम को समझना, बहुत अच्छे से समझना, वापस से समझा रहा हूं, देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये औरत है, ये आदमी है, आदमी को थोड़ा सा नीचे बनाइएगा, अभी हमने बना के देखा, आपको समझाने के लिए मैं दोबारा से बना रहा हूं। ये औरत है, ये आदमी है, उसके ससुर, इसके ससुर बनाने आपको, तो इसके ससुर कैसे बनेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर इसकी पत्नी आएगी, पत्नी के पिता आएंगे, ये आ गए साहब पिता, ये इस आदमी के ससुर आ गए, यहां लिख दे रहा हूं, मार्क कर दे रहा हूं। अब इसके जो भाई है, यानी इसके जो भाई हैं, ये आ गए साहब, एक्चुअल में इसको आप इसके बराबर के लेवल में ही दोगे, देखो ये औरत है। अब ससुर के भाई मेरी बेटी के, यानी कि इस औरत की बेटी है, अब ये जो औरत की बेटी है ये इसके बराबर आनी चाहिए, क्योंकि यही बता था पूरा डायग्राम, इसलिए दोबारा से बनाया भाई, देखिए आता है मुझे कुछ देखो। अब बेटी के भाई के पिता है, अब बेटी का जो भाई है इसके पिता, ये पिता आ गए, अब देखो ये हस्बैंड वाइफ आ गए दोनों, यानी ये पति पत्नी है, ठीक है साहब, ये पति है, ये पत्नी है, अब क्या कह रहा है, तो उस आदमी की पत्नी, यानी कि इस आदमी की जो ये पत्नी है ना, ये पत्नी, ये वाली जो इस पत्नी को, ये पत्नी उस औरत की रिश्ते में होगी। अब देखो इस औरत की रिश्ते में क्या लग रही है, बहुत ध्यान से देखना, इसके पापा, ये रहे इसके पापा, पापा के भाई यानी चाचा या ताऊ कुछ भी, और ये उसकी पत्नी है, तो ताऊ की ताई या चाचा की चाची। अब ये लड़की क्या लग रही है इसकी औरत की, तो भाई देखो सीधे सीधे भतीजी दिख रही है। अब चाहे ये ताई हो चाहे ये चाची हो, ये इसकी चाची है तो भी ये भतीजी, अब ये इसकी ताई है तो भी ये भतीजी, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई है, ऐसा दिया हुआ है, मैंने नहीं किया, ठीक है भाई, कैसा भी क्वेश्चन आए कुछ भी आए, डायग्राम से आप ये जंग जीत लोगे, जिसका डायग्राम परफेक्ट उसका आंसर परफेक्ट, कुछ भी क्वेश्चन हो कैसा भी क्वेश्चन हो, बस डायग्राम बना लो, डायग्राम से आप सब क्वेश्चन हल कर सकते हो, तो मेरी बात को मानिएगा, डायग्राम परफेक्ट आंसर परफेक्ट, इसमें आंसर आ रहा है बदली, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है।